नमस्ते, मेरे चैनल मऊ क्रिएशन पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी एक स्नैक्स की रेसिपी जिसका नाम है अनियन पकौड़ा। तो देख लेते हैं उसके बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम अनियन लिया है जिसको हमने स्लाइस करके रखा है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया लिया है जिसको हमने फाइनली चॉप्ड करके रखा है। यहाँ पर हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है जो हमें चाहिए 5 टेबलस्पून। शुगर लिया है 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून यहाँ पर हमने बारीक काटा हुआ हरा मिर्च लिया है यानी कि ग्रीन चिली। रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून यहाँ पर हमने टर्मरिक पाउडर लिया है। 1 पिंच खाने की सोडा है ये, यानी कि बेकिंग सोडा लिया है 1 पिंच। और स्वाद अनुसार हमें यहाँ पर नमक लिया है। तो हमें करना क्या है कि इसी सबको एक साथ एक बोल में मिलाना है और हमें चाहिए 100 ग्राम यहाँ पर हमने बेसन लिया है। अब हमें सबको एक साथ मिलाना है। हमें चाहिए पानी, ऑनियन लिया है, उसके बाद हमें लेना है बेसन, हरा धनिया, खाने का सोडा, हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर, रेड मिर्च पाउडर, ग्रीन चिली, शुगर और नमक। अब सबको एक साथ मिलाकर हमें एक डो जैसा बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए हमें इसको तैयार करना है। देखिए मेरा जो पकौड़े का जो मिक्स है वो तैयार हो गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को गरम करना है हमें। मेरा ऑयल हीट हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़ा तलेंगे यानी कि फ्राई करेंगे। ऐसे छोटे छोटे बॉल में थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करते हुए हम इसे फ्राई करेंगे।
ड्राई हो चुका है, अब हम इसे इसको पलटेंगे। पलट देते हैं इसे। दोनों तरफ से इसी तरह हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए मेरा अनियन पकौड़ा बनकर तैयार है। ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। आप इसे सर्दी के मौसम में या बरसात के मौसम में चाय के साथ या कॉफी के साथ जब इसे खाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। अब हम इसे साफ कर देते हैं। देखिए मेरा अनियन पकौड़ा जो है वो बनकर तैयार है। आप इसे खाइए और आपका जो अनुभव है वो मेरे चैनल पर शेयर कीजिएगा। आपका अगर ये रेसिपी अच्छा लगा तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।